भैया रखवार दुनिया में सोर भैलबा सोंगे सोंगे हे भैरो भैया रखवार दुनिया में सोर भैलबा माई डोली चढ़ी चला ले सेवक घरवा उठाएंगे एक बार हाथ हो जो तो सबसे बड़ा झांसी की रानी है ना तो झांसी की रानी इतनी पीछे क्यों है मैया आप लोग झांसी की रानी और इधर क्या है नाना पाटकर है नाना पाटकर है कहा गया कि भक्तों में मुझे सभी ऐसा संताप नजर आता है कि भक्तों में मुझे सभी ऐसा संताप नजर आता है इधर झांसी की रानी तो इधर महाराणा प्रताप नजर आता है ओहो जी बात ये बात बिल्कुल सही है इधर भी है ना लेकिन भैया बनहिती के लोगों को ऐसे ललकारा मत कीजिए क्योंकि पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ भैया पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ और बिहूतीपुर के लोगों को झुका दे ऐसा कोई माई के लाल पैदा नहीं हुआ मतलब ये है कि आप इनके डिपार्टमेंट में आ गए हैं नहीं हम इन्हें इधरे में रहेंगे हमारे बिहारी भाई एक बिहारी सौ अरे भैया सुनिए अभी हम किधर थे महाराणा प्रताप साइड मुझे लगा कि आप इनके पक्ष में आए हैं नहीं हम इधर से इधर आप उधर में रहिए ना देखते हैं कितना पावर है क्योंकि 50% आरक्षण मिला है का भैया लोग ये तो आन वाली बात हो गई माता अब ये आन वाली बात हो गई हाँ जी अगर बेटा मानते हैं सच में तो एक बार हाथों को उठाएं उठाएं सभी देखिए पावर देखें इधर का पावर देखिए ना लगेगा जो बाढ़ आ गया है थोड़ा दिखा दीजिए पावर हो जी बस इतना ही एक बार ताली बजाइए इतना जोर से कि किसी पर किसी का एहसान हो जाए और इतनी जोर ताली बजाइए कि हमारी माँ बहनें परेशान हो जाए नहीं जोरदार ताली परेशान नहीं होगी एक बार जयकारा लगा के दिखा दें चलिए भैया एक बार चलिए एक बार कंपटीशन हो जाए हमारी माता मैं हूँ आप लोगों के साइड और वो हैं जी बिल्कुल चलिए तो इधर मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा होनी चाहिए माँ के दरबार में बोले सच्चे दरबार की अब आप थोड़ा लगवा के देखिए हमको तो लगा और क्या लगा सो अभी आप देख लीजिएगा हम सिर्फ बिहार का एक छोटा सा गांव का बात करते इधर बनाई थी एक बार अपने लिए लगा दीजिएगा जोरदार जयकारा बोल दे सच्चे दरबार की
जी ये पावर है, ये पावर है। हाँ बिल्कुल, तो पावर हम दोनों साइड से देखना चाहते हैं। एक बार ताली बजा के आप लोग बता दीजिए, जोरदार ताली। एक बार भैया आप अपने डिपार्टमेंट में ताली बजा के बताइए। ये हो गए क्या जानते हैं क्या, ये सिर्फ ताली बजाने में और जयकारा लगाने में आगे हैं। तो मैं चाहूंगा इस बार दोनों हाथ, सभी दोनों हाँ, देखते हैं कितना ताली, दोनों आप भी उठाइए और आप भी उठाइए, देखते हैं कितने लोग भक्त हैं सच्चे। उठाएंगे सभी और तालियों के साथ। माई टोली चौधरी चहलाले सेवक है घरवा, माई टोली चौधरी चहलाले सेवक है घरवा, ओही टोली आके पगावा बहार दोनी यम सोर भइलवा, ओही टोली आके पगावा बहार दोनी यम सोर भइलवा, माई टोली चौधरी चहलाले सेवक है घरवा, माई टोली डिपार्टमेंट को तो ताली तो काफी बजाए, लेकिन माँ बहन की ताली देख के मुझे लगता है कि कोई बकरी कान पटपटा रही है। अरे भैया उनकी मजबूरी को समझा कीजिए, क्या मजबूरी है, कोई कोई खाना खा के नहीं आई है, वही तो लगता है, हो सकता है खाना खा के नहीं आई हो, क्योंकि बनाने में ही इतनी बिजी हो जाती हैं अपने हस्बैंड अपने बेटे को खिलाने में, तो ये कहाँ से खाएंगी। लेकिन भैया एक बात है कि हमारे माँ बहन दो ही बार हाथ उठाती है, एक बार छठ पूजा होगा उस वक्त, और एक बार कब, जब गांव घर में झगड़ा फंसेगी उस वक्त हाथ उठा के कहेगी, गए तोरा छोड़ के खेबो, गए गिट्टी खेबो बालू खेबो। कैसी अवतार है, लेकिन कहा गया कि नारी जब जागती है तो अधिकार मांगती है, नारी जब जागती है तो अधिकार मांगती है, दिल से पुकारिए तो प्यार मांगती है, कभी माँ तो कभी बहन कभी बेटी बनकर इस समाज को संवारती है और बुराई के दानव को दुर्गा बन काटती है, दुर्गा बन काटती है। लेकिन तो मुझे ये समझ में आ गया, जी बोलिए ना, ये बनहिती गांव है ना, जी बनहिती है, क्योंकि कहा गया है नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ किसी चंदन से कम नहीं, और ये बनहिती गांव किसी लंदन से कम नहीं है ना भैया। आ गए अपनी असलियत पर, आ गए भक्तों में इतना मुझे ये आ गया है, देखिए असलियत तो इसमें कुछ नहीं है, दोनों के बराबर है जी, पलरा भी राहत है नहीं, आपका पलरा अभी भी नीचे है, तो उठवाइए उधर भी, इधर भी उठवाते हैं, उठाइए आप लोग माता, उठाइए हो जाए कंपटीशन है, हमारे लड़का लोग भैया इधर कोई नहीं उठाइएगा, थकना नहीं चाहिए, बचते रहना चाहिए, ठीक है उठाइए, देखें जरा कितने कितना है दम। माई टोली चौधरी चहलाले सेवक है घरवा, माई टोली चौधरी चहलाले सेवक है सोर भइलवा, कहीं कहीं बेइंतजार दोनी यम सोर